बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा टेम्बुर्डा के मैनेजर ने 20 मार्च को पुलिस स्टेशन ओरा में शिकायत दर्ज की कि 19 से 20 मार्च के दरमियान अज्ञात चोरों द्वारा बैंक के इमारत के पीछे की खिड़की से गैस कटर का इस्तेमाल कर बैंक के चैनल गेट का ताला तोड़कर उसमें मौजूद तिजोरी को गैस कटर से काटकर 6,88,130 रुपया साथ ही उसमें मौजूद सोने के गहने जिनकी कीमत 11,35,010 रुपया है ऐसा चोरी किया और ऐसी शिकायत ओरा पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई। और इस अपराध की जानकारी स्थानीय अपराध शाखा को मिलते ही पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबड़े, पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े, ये संपूर्ण टीम स्टाफ के साथ घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की। और इस घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक अरिंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे ने भी पहुंचकर मुआयना किया तथा इस मामले का पर्दाफाश करने के संबंध में पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े को आदेश दिया और उसके बाद स्थानीय अपराध शाखा की टीम ने इस मामले का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे ने आज एक पत्रकार परिषद में दी। इस दरमियान पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही उनके पास से 1,07,34,300 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया है, जिसमें सोने चांदी के गहनों के साथ इस गुनाह में इस्तेमाल की गई बोलेरो वाहन, साथ ही इस गुनाह को अंजाम देने वाले उपकरणों का भी समावेश है। तो सुनिए इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी पुलिस अधीक्षक अरिंद सालवे ने पत्रकारों को क्या दी। टोरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव है, वहाँ पे बैंक चोरी हुई थी। इस बैंक चोरी होने के बाद में वहाँ पे सब सीनियर ऑफिसर और एनसीबी की टीम ने विजिट किया था। यहाँ पे हमने इसको काफी चैलेंजिंग लिया था और उसके बाद में हमने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज, इसी तरीके से जहाँ पे चोरी हुई थी गोंदिया भंडारा, यहाँ के सीसीटीवी फुटेज और दूसरा इन्होंने जिस तरीके से चोरी की है वो हिसाब से इन्होंने हम किस टाइप की गैंग हो सकती है और कौन इसके मेंबर हो सकते हैं इसका हमने अच्छे से स्टडी किया। उसके बाद में हमने इसमें इनको जो लोकल सपोर्ट करने वाला है उनको गोंदिया जिले से अरेस्ट किया। फिर हमने जो ये गैंग थी जिसके ऊपर हमको शक था तो ये वही गैंग है, ये हमको कंफर्म होने के बाद में हमने यहाँ से 2 टीम भेजी एनसीबी की, एपीआई बोबड़े और पीएसआई कापड़े, ये दोनों ने इस टीम को लीड किया था। यहाँ से उन्होंने बदायूं जिले में जाके वहाँ के लोकल पुलिस की मदद लेके इसमें के 2 आरोपी को अटक किया जो मेन आरोपी थे। उसके बाद में उनके घर जड़ते में हमको 2 किलो 800 ग्राम्स के आसपास हमको सोना वहाँ से बरामद हुआ है। अभी हम उनको यहाँ पे लेके आए, उनका पीसीआर लिया हुआ है और ज़्यादा इसमें चोरी ओपन होने की शंका है। इन्होंने तेलंगाना राज्य में एक बहुत बड़ी बैंक चोरी की है तो इसके बारे में भी तपास अभी चल रहा है। इंटरस्टेट गैंग है और इसमें आरोपी अटक करते वक्त हमारा एक एपीआई बोबड़े, इनका हाथ भी फ्रैक्चर हुआ है, पर ऐसा रहने के बावजूद भी हमारे ऑफिसर्स ने इन आरोपी को अटक किया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे के मार्गदर्शन में स्थानीय अपराध शाखा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक बाड़ा साहब खाड़े, सहायक पुलिस निरीक्षक जितेंद्र बोबड़े, पुलिस उप निरीक्षक संदीप कापड़े के साथ स्थानीय अपराध शाखा के नितिन जाधव, महेंद्र भुजाड़े, अविनाश दशमवार, अनूप डांगे, सतीश बगमारे, प्रफुल मिश्राम, कुंदन बावरी, अमोल धंद्रे, प्रशांत नागोसे के साथ साइबर पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी निशिकांत रामटेके के साथ मुजावर अली, प्रशांत लारोकर, छगन जामुले, इमरान शेख, गजान नागरे ने अंजाम दिया।